बॉल। आज हम बनाएंगे आलू बॉल। इसमें हम सबसे पहले ऑयल डाल के घी, सूखी बालों का भी हम यूज़ करते हैं, और इसमें हम डालेंगे प्याज और गरम मसाला। और मैंने चिकन में प्याजों को हल्का सा बिल्कुल लाइट का पिंक पिंक करके मैंने इसमें डाल दिया चिकन। अब हम इसमें डालेंगे सॉरी, अब हम इसमें डाल देंगे नमक हर की ज़रूरत और मसाला। मुझे कोशिश करनी है थोड़ा फीका रहे, शुगर डैडी ने भी खाना है। और अब हम इसे अच्छी तरह से रेड करेंगे ताकि इसकी स्मेल है वो भी ना आए। और इसे रेड करूँगी मैं ज़्यादा रेड इसलिए क्योंकि मैं डैडी को तो थोड़ी सी स्मेल आती है, वो खाना नहीं खाते। और चिकन हो चुका है मेरा फ्राई, इतना ठीक और यानी कि आपने रखना है तो आप इतना ठीक है, वैसे नॉर्मल इतना ही होना चाहिए। लेकिन डैडी थोड़ा ज़्यादा दाल खाते हैं और उनको इतना पसंद नहीं है, वो थोड़ा और ज़्यादा रेड हम करते हैं थोड़ा अच्छी तरह से रेड करके। और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर और यही डाल देती हूँ, टमाटर से सॉरी थोड़ा सा दही, हरी मिर्च, अदरक को इनको ग्राइंड कर लीजिए। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँगी, यहाँ पे हम डालने कई लोग करते मसाला भून के हाथ डालते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे डालूँगी अपने पोटैटो यानी आलू। और इसकी आलू मैंने ज़्यादा नहीं है, बच्चियाँ मेरी खाती ही आलू ही हैं, और अगर ये नहीं होंगे उन्होंने खाना नहीं खाना, ठीक है। अब मैं इनको हल्का सा घी में और कुछ ना हल्का सा फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें पीसा अपना मसाला डाल दूँ क्योंकि उससे वो ग्राइंड है सिर्फ उनको भून लिया, लेकिन आलू को मैं थोड़ा सा अच्छी खासी इसके साथ थोड़ा भून दूँगी ताकि इस तरह हल्का हल्का पिंक पिंक से ग्राइंड हो जाए आलू के बारे। और ये मैंने इसको डाल के आलू को थोड़ा भूना है और अच्छे से इसे फ्राई किया मैंने। ये आपको लग रहा है कि बिल्कुल लाइट से पिंक से होंगे, अभी मैंने हल्का सा और भूनूंगी। और इसमें मेरा खाने में ऑयल कम है, ये आपको लग रहा होगा ऑयल कम है क्योंकि डैडी को बिल्कुल ऑयल बन है और ऑयल उन्हें कहा बिल्कुल लाइट देना, ये फिर भी घी था तो बच्चियों को और आप आज से मैं इनको लाऊँगी। और अगर इसमें मैं देखूँगी थोड़ा सा जैतून का जो ऑयल है वो मैं इसको शामिल करती हूँ। रहा जैतून का ऑयल और मैं इसको ओपन करके बिल्कुल हल्का सा मेरे नज़र आ गया, बिल्कुल मैं हल्का सा इसमें डालूँगी ताकि वो मुझे पड़ी के लिए भी मुझे बड़ी की मेडिसिन शुरू कराई है उन्होंने भी मुझे कहा है कि बच्चों को देसी घी करवाऊँ तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर ड्राई पन से हो गया होगा। मोबाइल के साथ थोड़ा काम करना मुझे मुश्किल हो गया और अब जो इसको भून के और इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला, अचार गोश्त और हल्दी और थोड़ी सी छोटी मिर्च, मैं रेड जो थी मिर्च वो बिल्कुल नहीं डाली, और ये पीसा मसाला मैंने मसाला जो है वो सारा भी ऐड कर दिया। अब मैं इनको अच्छी तरह से अभी इसको भून लेती हूँ, ये देखें और कितना प्यारा सा इसका लाइट कलर आया है, देखें अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है अभी भी ना, अभी मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि मेरा ऑयल सारा ऊपर आ जाए, जैसे ऑयल हो रहा है अभी हमने इसे भूनना है। अभी अपना घी छोड़ दिया अपना आप थोड़ा और भूनी, और ये हमने भून लिया है बिल्कुल अच्छी तरह। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि नहीं आपको साइड पर इसका ऑयल नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, और डैडी को ज़रा कम देना है इसलिए मेरी कोशिश है कि इसी ऑयल में ही हमारा काम हो जाए। तो लिहाजा हम ऐड से ही इतना ही भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और इसका बनाएंगे होगा और हमारा खाना हो गया है रेडी। और लास्ट में अगर मिर्ची अगर आपको ज़्यादा कम लगे तो आप काली मिर्च ऐड कर लें, मेरे लिए तो बहुत ही कम है, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ तो इसमें पानी डाल दिया। अब हम इनको आलू को बॉईल होने, आलू को गलने देकर हम इसको मज़ीद इसको करेंगे कुकिंग करेंगे, इसको इसकी कुकिंग करेंगे और इसे हम दम पे रख देंगे। और हमारे घर में आए हैं आज मेहमान और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय
और चाय ये है हम।